जय श्री कृष्णा मित्रों, ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हो गांव बिकम कौर नवग्रह नंदी गौशाला से, जिस जगह गौ माता के लिए जो गौ भगत पधारेंगे गोग्रास चारा पानी देने के लिए और अपना जन्मदिन शादी की वर्षगांठ मनाने के लिए उनके लिए स्वागत गेट बन रहा है, जो 35 फुट हाइट में लोहे के पाइप रोपे जा रहे हैं क्रेन से। इसके ऊपर जो है स्वागत गेट बन के लगेगा बहुत बड़ा, जिसमें बड़ा अच्छा शानदार डिजाइन अभी एक भाई प्रकाश ठेकेदार इणकिया क्रेन के ऊपर चढ़ के रस्से को खोला है और उस साइड का भी रस्सा है और खोलेगा उस साइड में। तो स्वागत गेट का पूरा लोगो बन के तैयार हो गया है और रोड के उस साइड का, अब रोड के इस साइड का लोगो है जो करीबन 2 हफ्ता में ये भी तैयार हो जाएगा। बाद में लोहे की कैंचियाँ बन के इसके ऊपर से लगेगी, लोहे की कैंचियाँ बन के इसके ऊपर से लगेगी दोनों साइड से। उस साइड में पानी के बड़े बड़े टैंक रख देंगे, 2,000 लीटर के तीन टैंक रखेंगे इधर और 3 टैंक इधर। उसमें पानी फिटिंग होकर के पूरी गौशाला में पानी चला जाएगा, नीचे पानी के होज से पानी ऊपर मोटर से चढ़ जाएगा। और साइड का रहा सामान, लोहे की कैंचियाँ बन के इसके ऊपर गेट बन के लग जाएगा। नवग्रह नंदी गौशाला आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस टाइप से ये लगेगा, बड़ा शानदार गेट बन रहा है। देखिए लोहे के पाइप के ऊपर रोप करके अब प्रकाश इनका ठेकेदार है हरलाई, उसकी ये टीम पूरी काम कर रही है। अभी क्रेन के ऊपर मलाजों को चढ़ करके पाइप को ये आपके देखिए अब नीचे आ रहा है, एकदम क्रेन से नीचे आ रहा है, क्रेन के ऊपर चढ़ा है। सभी भक्तों को, लाइव वीडियो शेयर करने वाले भक्तों को धन्यवाद, जो आपके ऊपर पूज्य गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। ये देखिए पूरा काम चल रहा है, बहुत बड़ा, यहाँ 30-35 लेबर काम कर रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता सीमेंट मसाला वगैरह। इस साइड में भाई मंगलाराम लवार हरलाई टीम जो लगी हुई है, ये पूरा इसी की देखरेख में स्वागत गेट बन रहा है पूरा, मतलब बहुत बड़ा इंजीनियरिंग का काम करता है। पिछले 40 सालों से ये लोहे का काम कर रहा है। तो वो देखिए स्वागत गेट से क्रेन से ला करके पाइप को रोपा है, पाइप को जो रोपा है वो क्रेन से रोपा है। अब वो देखिए ऊपर चढ़ रहा है, देखिए क्रेन से लोहे के पाइप है, 35 फुट हाइट में लगाए हैं बेल्ट करके, और अब इसको मशीन से खड़ा कर रहे हैं। बहुत बड़ी गुणवत्ता मसाला लगा रहे हैं, देखिए आपको मैं बता रहा हूँ मसाला भी। ये देखिए इसके नीचे पाइप को रोप रहे हैं, गड्ढा काफ़ी गहरा खोद रखा है। देखिए अब चौथा पाइप रोपने वाला है, 3 रुपये हैं, ये गड्ढा भी काफ़ी गहरा खुदा है। इस टाइप से ये अभी देखिए प्रकाश इणकिया हरलाई, बहुत बड़ा अनुभव है इसको, क्रेन के ऊपर भी चढ़ गया और बेरे में उतारे, पहले बेरे में उतर जी मल है, मैं बेरे में उतारना पड़े को समझेड़ा घड़ियारी रही बीन दिया है। ठीक मित्रों, आपको जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। ये बहुत बड़ी बिकम कौर गांव की गौशाला बन रही है, प्राकृतिक आपदा सर्दी गर्मी बरसात इन सब से बचाव हो सके, पक्के शेड बने हैं। यो साइड में गौशाला का ऑफिस है, जिस जगह झंडा लगा रखा है बहुत बड़ा, और इस साइड में ये स्वागत गेट बन रहा है, जिसका करीबन अगले दो महीने में बन करके कम्प्लीट हो जाएगा और जल्दी इस गौशाला का उद्घाटन होगा, बहुत बड़ा भव्य उद्घाटन होगा, जिसमें 15-20 गांव से यहाँ जो है गो भगत पदार के इसका गौशाला का उद्घाटन करेंगे, जो नए वार्ड बन रहे हैं उन वार्डों का, नंदीशालाओं का। और बाकी अभी शानदार गौ माता की व्यवस्था हो रही है, समय की बात है, यहाँ धोरा धरती के अंदर अभी ये पाइप है जो क्रेन से बांधा है, अभी इसको रोपेंगे, अभी ले जा करके ये जो अभी क्रेन से बांध करके, इसकी 35 फुट हाइट है लोहे के पाइप की, करीबन 2 क्विंटल वजन है लोहे का, वजन टाटा का कंपनी का है, 2 क्विंटल वजन है, बहुत बड़ा वजनदार पाइप है। इसको भी खड़ा करके क्रेन से रोप रहे हैं, काफ़ी बड़ी टीम लगी हुई है, सभी भक्तों को कोटि-कोटि साधुवाद। सामने बोर्ड लगा हुआ है, नवग्रह नंदी गौशाला आपका हार्दिक स्वागत करता है, समता अनुसार गोदान कर आप भी पुण्य के भागी बने। शानदार गेट लगा हुआ है सामने, और इस साइड में चैनल गेट, जो ये बहुत ही, ये देखिए बज रहा है
सभी भक्तों को धन्यवाद और साधुवाद। जय श्री राम, जय गो माता सा। मैं अभी लाइव चल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। मैं लाइव चल रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में बात करता हूँ। सभी भक्तों को धन्यवाद, साधुवाद। पूज्य गो माता का आशीर्वाद बना रहे। स्वागत गेट बन रहा है, उसके ऊपर पाइप लोहे के क्रेन से रोप रहे हैं। उस साइड में स्वागत गेट बन गया पूरा, और इस साइड में लोहे के पाइप रोप रहे हैं। अब इसके ऊपर कैंचियाँ बनेंगी, कैंचियाँ बन के और इसके ऊपर लग जाएगी। जो गौशाला परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है, पूज्य गौ माता का आशीर्वाद बना रहे। इस टाइप से ये अति शानदार गेट बन के लगेगा, और आप सभी को धन्यवाद। ये सामने गौ माता का बहुत बड़ा गोलोक है, इस साइड में भगवान का मंदिर भी है। सामने एरोप्लेन, ग्रामीण एरोप्लेन लगी हुई है, हवाई जहाज दौरे के ऊपर। अति शानदार दृश्य आप देख पा रहे हो। मित्रों, आपको जय जय श्री राम। पूज्य गौ माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, भगवान की कृपा बनी रहे, और यह हमेशा काम गौ माता का चलता ही रहता है। और क्रेन सर्विस दे रहे हैं नेमाराम जी, बिकम कौर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पे आशीर्वाद बना रहे गौ माता का। ये स्वागत गेट, इसके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ेगी, ऊपर सीढ़ियाँ भी चढ़ेगी। सीढ़ियों से ऊपर जा कर के गौशाला का पूरी का नज़ारा देख सके आदमी, और बाद में यहाँ पर अति शानदार दृश्य आप देख पा रहे हो। ठीक मित्रों।